डिमन स्लेयर सीजन 3 के थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि तांजीरो ने योरिची डॉल के गले के ऊपर एक हिट कर दिया होता है, जिसकी वजह से योरिची डॉल का मुंह धीरे धीरे टूट कर बिखरने लगता है। तभी तांजीरो और कोतेत्सु देखते हैं कि उस डॉल के अंदर एक तलवार लगी होती है। कोतेत्सु कहता है ये तलवार सेनगोकू पीरियड की होगी, यानी कि आज से 300 साल पुरानी। और तांजीरो तुम मुझे कह रहे थे कि तुम्हारी सॉर्ड अब तक बनी नहीं है, तो तुम तब तक इस शॉट को इस्तेमाल कर सकते हो। तांजीरो कहता है लेकिन इस तलवार को इस्तेमाल करना सही नहीं रहेगा। कोतेत्सु तांजीरो से कहता है सेनगोकू पीरियड में जिस लोहे का इस्तेमाल किया जाता था निचुरिन शॉट बनाने के लिए, वो सबसे ज़्यादा मजबूत होती थी, जिसकी वजह से निचुरिन शॉट काफ़ी टिकाऊ और धारदार होती थी, तो तुम्हें यह शॉट इस्तेमाल करना चाहिए। तांजीरो फिर भी उस शॉट को लेने से मना कर देता है। कोतेत्सु कहता है लेकिन तांजीरो ये तलवार मैं तुम्हारी वजह से ढूंढ पाया हूँ, तो तुम्हें ही इसे इस्तेमाल करना चाहिए। तांजीरो कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यह सॉर्ड इस डॉल के अंदर पहले से ही रखी गई होगी। मैंने तो अभी बस इस डॉल को तोड़कर इस तलवार को बाहर निकाला है, तो इससे ये तलवार मेरी नहीं हो गई। कोतेत्सु कहता है लेकिन हम एक बार इस सॉर्ड को निकाल कर देख तो सकते हैं। फिर तांजीरो उस डॉल के अंदर से उस सॉर्ड को निकालता है, और वह जैसे ही उस सॉर्ड को खोलता है वो देखता है कि पूरे शॉर्ट के ऊपर जंग लगी होती है, और ये देखकर तांजीरो और कोतेत्सु काफ़ी निराश होकर ज़मीन पर लेट जाते हैं। कोतेत्सु बोलता है ये शॉर्ट आज से 300 साल पुरानी है और इस शॉर्ट के बारे में किसी को भी नहीं पता था, तो ये शॉर्ट उस डॉल के अंदर पड़े पड़े जंग खा गई होगी। और तांजीरो मुझे माफ़ कर देना कि मेरी वजह से तुमने यह शॉर्ट खोला और इसे जंग खाया हुआ देख कर तुम्हें काफ़ी बुरा लगा। तांजीरो रोते हुए कहता है मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये सब तो होता ही रहता है। तभी तांजीरो को किसी के चलने की आवाज़ आती है। वो देखता है कि हगाने जुका उन दोनों की तरफ बढ़ रहा होता है। फिर हगाने जुका तांजीरो के पास आकर कहता है मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली है, अब ये शॉर्ट मेरे हवाले कर दो। लेकिन तांजीरो हगाने जुका को शॉर्ट देने से मना कर देता है। वो कहता है ये शॉर्ट काफ़ी पुरानी है और इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। फिर हगाने जुका जबरदस्ती वो तलवार खींचने की कोशिश करता है, और कोतेत्सु और तांजीरो उस तलवार को बचाने की कोशिश करते हैं। हगाने जुका बार बार ये बोल रहा होता है कि ये तलवार मेरे हवाले कर दो। कोतेत्सु और तांजीरो कहते हैं आखिरकार तुम एक ही वर्ड बार बार क्यों रिपीट कर रहे हो, क्या तुम हमें सीधे सीधे नहीं बता सकते कि ये तलवार तुम्हें चाहिए क्यों। फिर हगाने जुका तांजीरो और कोतेत्सु से वो शॉर्ट लेने में कामयाब हो जाता है। तभी वहाँ पर एक गाँव वाला आता है जिसका नाम कानामोरी होता है। कानामोरी तांजीरो से कहता है हगाने जुका की सबसे बड़ी कमजोरी उसके कमर के इस हिस्से पर है। फिर कानामोरी हगाने जुका को गुदगुदी करने लगता है, जिससे हगाने जुका बेबस होकर नीचे गिर जाता है। कानामोरी तांजीरो से कहता है हगाने जुका के इस हिस्से पर गुदगुदी करने से वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, और हगाने जुका के बर्ताव के लिए उसे माफ़ कर देना। वो काफ़ी समय से पहाड़ों पर ट्रेनिंग कर रहा था ताकि वह तुम्हारे लिए बेहतर शॉट बना सके, और तुम काफ़ी वक्त से हगाने जुका को अपने लिए एक दूसरी शॉट बनाने के लिए कह रहे थे, तो तुम उसे ये तलवार दे दो, इससे उसे काफ़ी अच्छा लगेगा। और वैसे भी जो भी लोग हगाने जुका से तलवार बनाते थे उन्होंने उससे तलवार बनाना छोड़ दिया है। कोतेत्सु कहता है ये हगाने जुका किसी के साथ भी ढंग से नहीं रह सकता, इसलिए तो इसकी अब तक शादी नहीं हुई है। हगाने जुका ये जैसे ही सुनता है वह खड़ा हो जाता है और तांजीरो से कहता है तुम ये शॉट मुझे दे दो, और अपने निचुरिन शॉट पॉलिशिंग आर्ट का इस्तेमाल करके मैं इस शॉट को पहले की तरह कर दूंगा। कोतेत्सु हगाने जुका से कहता है अगर तुम्हें यह शॉट इसलिए चाहिए थी तो क्या तुम ये पहले नहीं कह सकते थे, तुम्हें बार बार मुझ पर छोड़ दो मुझ पर छोड़ दो बोलना ज़रूरी था। ये सुनकर हगाने जुका काफ़ी गुस्सा हो जाता है और तुरंत कोतेत्सु का गला पकड़ लेता है। तांजीरो और कानामोरी हगाने जुका को गुदगुदी करके कोतेत्सु को छुड़ा लेते हैं। फिर हगाने जुका वहाँ से जाने से पहले तांजीरो को एक दूसरे निचुरिन शॉट इस्तेमाल करने के लिए देकर जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि तांजीरो गेन्या के साथ बैठा होता है, और तांजीरो अपने स्वभाव के चलते गेन्या से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन गेन्या तांजीरो की बातों पर काफ़ी गुस्सा हो जाता है। वो कहता है मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, और आखिरकार तुम मुझसे इतनी आराम से बात क्यों कर रहे हो जैसे कि मैं तुम्हारा कोई दोस्त हूँ। तांजीरो कहता है लेकिन हम दोनों तो दोस्त हैं ना। गेन्या कहता है तुम मेरे दोस्त नहीं हो और ना ही मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाऊंगा, क्योंकि तुमने एग्जाम के दिन मेरा हाथ तोड़ दिया था। तांजीरो कहता है लेकिन इसमें तुम्हारी गलती थी कि तुमने उस दिन एक लड़की पर हाथ उठाया।
तांजीरो गेनिया को एक राइस बॉल खाने के लिए देता है, पर गेनिया उस राइस बॉल को खाने से मना कर देता है। तांजीरो कहता है, तुम्हारा एक दांत टूटा हुआ है ना? गेनिया कहता है, हाँ मेरा एक दांत टूटा हुआ है, लेकिन इस बारे में तुम्हें कैसे पता? तांजीरो बोलता है, क्योंकि जब तुम हॉट स्प्रिंग में अपना दांत निकाल रहे थे तो मैंने वो दांत ले लिया था, ये रहा वो दांत। ये देखकर गेनिया तांजीरो के ऊपर काफ़ी गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, अब तो मुझे और भी ज़्यादा अनोइंग लग रहे हो, और तांजीरो को लात मार के अपने कमरे से बाहर निकाल देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि तांजीरो नेजुको के बाल बना रहा होता है, बिल्कुल मित्सुरी के बालों की तरह, क्योंकि मित्सुरी नेजुको की काफ़ी अच्छी दोस्त बन गई होती है। तांजीरो नेजुको से कहता है, ये बाल बनाना सच में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन आज चांद काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और थोड़ी देर बाद नेजुको और तांजीरो सो जाते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक गांव वाला नहाने के बाद अपने घर लौट रहा होता है, तभी उसे रास्ते में एक गमला दिखाई देता है, और वो गमला और कोई नहीं बल्कि अपर मून 5 ग्योको होता है। वो गांव वाला जैसे ही उस गमले के पास जाता है, ग्योको उस गांव वाले को पकड़ के उस गमले के अंदर खींच लेता है और उसे आधा खाने के बाद बाहर थूक देता है। ग्योको गमले के बाहर आकर कहता है, इस शॉर्टस्मिथ का मांस मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा, लेकिन इस गांव में खाने के लिए काफ़ी सारे लोग हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अपर मून 4 हेनतेनगु तांजीरो के घर के ऊपर बैठा होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गेनिया अपने शॉर्टस्मिथ के घर जाता है, लेकिन उसका शॉर्टस्मिथ वहां पर नहीं होता, तो वहां पर जो उसकी छोटी सी तलवार पड़ी होती है वह उसे उठा लेता है। गेनिया काफ़ी छोटी सी सॉर्ड इस्तेमाल करता है, जिसे जापनीज में वाकिजाची भी कहते हैं, जो कटाना की तरह ही होती है पर उससे थोड़ी छोटी। अब गेनिया इतनी छोटी शॉट क्यों इस्तेमाल करता है, इसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि तेंजिरो और नेजुको सो रहे होते हैं, तभी वहां पर मोइचिरो आता है और तेंजिरो को चींटी काट कर उसे उठा देता है। वो कहता है, क्या तुमने कानामोरी को देखा है? तेंजिरो कहता है, मैंने सुबह कानामोरी को हगाने जुका के साथ देखा था, तो वो उसके साथ ही होगा, क्यों ना हम दोनों साथ चल के उन दोनों को ढूंढे। मोइचिरो कहता है, तुम हर बार दूसरों के बारे में क्यों सोचते हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें थोड़ा बहुत अपने बारे में भी सोचना चाहिए? तांजीरो कहता है, अगर तुम दूसरों का भला करोगे तो अंत में तुम्हारा ही भला होगा। तभी अचानक से नेजुको उठ जाती है। मोइचिरो कहता है, ये लड़की यानी कि नेजुको, ये सच में काफ़ी ज़्यादा अजीब है, क्या मैंने इसे पहले भी देखा है? तभी तांजीरो को अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है। वो देखता है कि अपर मून 4 हेनतेनगु दरवाज़ा खोलकर धीरे धीरे कमरे के अंदर आ रहा होता है। वो मन में कहता है, आखिरकार एक डीमन यहाँ पर क्या कर रहा है, और जब तक मैंने इसे देखा नहीं था मुझे इसके होने का एहसास भी नहीं हुआ। इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक अपर मून डीमन है। जब तक तांजिरो ये सब सोच रहा था, मोइचिरो अपने मिस्ट ब्रीदिंग 4th फॉर्म का इस्तेमाल करके हेनतेनगु के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हेनतेनगु मोइचिरो के हमलों से काफ़ी आराम से बच जाता है। वो कहता है कि प्लीज़ मुझे मत मारना। तेंजिरो भी अपने डांस ऑफ सन गॉड का इस्तेमाल करके हेनतेनगु के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो इस बार भी बच जाता है। तांजिरो कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये एक अपर मून होने के बाद भी हम पर हमला क्यों नहीं कर रहा है। इतने में ही नेजुको अपने डीमन फॉर्म में आ जाती है और हेनतेनगु को जाकर एक लात मारती है। मौका देखकर मोइचिरो हेनतेनगु पर हमला करता है और उसका सर काट देता है। तांजीरो मोइचिरो से कहता है, अपर मून्स का गला काटने के बाद भी ये लोग नहीं मरते हैं, तो संभल कर रहना। इतने में ही हेनतेनगु का जो कटा हुआ सर और कटा हुआ शरीर होता है उससे 2 नए डीमन बन जाते हैं। तांजीरो उसके एक शरीर पर हमला करने चला जाता है तो मोइचिरो उसके दूसरे शरीर पर। तांजीरो कहता है, अगर हम इन दोनों डीमन का गला एक ही वक्त पर काटेंगे तो ये दोनों मर जाएंगे। तभी उन दोनों में से जो एक डीमन होता है वो पंखे से हवा करता है, जिससे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और सब उड़ने लगते हैं। उस ब्लास्ट की वजह से मोइचिरो काफ़ी दूर जाकर गिरता है, लेकिन नेजुको तांजीरो को उड़ने से बचा लेती है। फिर हमें उन दोनों डीमन्स का नाम पता चलता है। जो काफ़ी हंस रहा होता है उसका नाम कारागु होता है, और जो काफ़ी गुस्से में होता है उसका नाम सेकिदो होता है। फिर सेकिदो के हाथ में जो एक छड़ी होती है वो उसे ज़मीन पर पटकता है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा शॉक वेव्स पैदा होते हैं और वह सब तांजीरो को जाकर हिट करते हैं। तांजीरो कहता है, अगर मैं इस जगह पर थोड़ी देर और रहा तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। तभी वो छत पर गेनिया को देखता है। गेनिया अपने शॉटगन का इस्तेमाल करके उन दोनों डीमंस का सर उड़ा देता है। गेनिया कहता है, लगता है मेरा निशाना थोड़ा चूक गया है, तो
तो वो अपनी तलवार निकाल के उन डीमंस के ऊपर हमला करने चला जाता है। करागु कहता है, मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ कि एक डीमन स्लेयर सॉर्ड के बजाय शॉटगन इस्तेमाल कर रहा है। तभी गैनया कारागु का सर काट देता है। तंजीरो कहता है, इन डीमंस का सर काटने से ये मरेंगे नहीं, अगर तुमने इनका सर काटा तो इनके सर की जगह नए डीमंस आ जाएंगे। तभी कारागु तांजिरो को पकड़ के उसे उड़ाकर ले जाने लगता है। जाने से पहले तांजिरो नेजुको से कहता है कि वो गेन्या के साथ फाइट करें और उसे बचाएं। इससे पहले कि तांजिरो कुछ कर पाता, कारागु तांजिरो के ऊपर अल्ट्रासोनिक बीम छोड़ता है, जिसकी वजह से तांजिरो नीचे गिर जाता है और उसके कान सुन पड़ जाते हैं और ना ही वो अपने शरीर को हिला पाता है। फिर कारागु तांजिरो के ऊपर एक और अल्ट्रासोनिक बीम छोड़ता है, लेकिन यहीं पर सीन कट होता है और हमें मोइचिरो को दिखाया जाता है जो ग्योको को मारने के लिए जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि एक डीमन फिश को तेत्सु को मारने की कोशिश कर रहा होता है और उस डीमन फिश को ग्योको ने अपने ब्लड डीमन आर्ट से बनाया होता है। मोइचिरो अपने मन में कहता है, अगर मैं इस बच्चे को बचाने जाऊंगा तो गांव के बाकी सारे लोग मारे जाएंगे और वैसे भी इस बच्चे के अंदर कोई हुनर नहीं है, तो इसे बचाकर कोई फायदा नहीं, इससे अच्छा तो मैं गांव के मुखिया को जाकर बचाऊं। लेकिन तभी मोइचिरो को तांजिरो की बातें याद आती हैं कि अगर तुम दूसरों का भला करोगे तो अंत में तुम्हारा ही भला होगा। इसके बाद मोइचिरो को तेत्सु के पास जाकर उसे उस डीमन फिश से बचा लेता है और उसे वहां से भाग जाने के लिए कहता है। सो गाइस, यहीं पर हमारे डीमन स्लेयर सीजन 3 के 3rd एपिसोड का एक्सप्लेनेशन वीडियो खत्म होता है। अब आप सबके मन में ये सवाल जरूर होगा कि गेनया निचिरिन सॉर्ड की बजाय शॉटगन क्यों इस्तेमाल करता है और उसके पास इतनी छोटी सी तलवार क्यों है। तो इसका सीधा सा आंसर है कि गेनया बाकी डीमन स्लेयर्स की तरह ब्रीदिंग टेक्निक इस्तेमाल नहीं कर सकता और इसी वजह से निचिरिन शॉर्ट्स उसके लिए बिल्कुल बेकार हैं। तो वो निचिरिन शॉर्ट्स की बजाय शॉटगन का इस्तेमाल करता है जो उसी लोहे से बनी है जिससे निचिरिन शॉर्ट बनाई जाती है, और वो अपने बैकअप के लिए अपने पास एक छोटी सी तलवार रखता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट और फ्रेश एपिसोड के साथ। आज के लिए गुड बाय, सायोनारा।